हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ भरवा आलू। तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी बनती है, बच्चों को भी पसंद होती है, ऑलमोस्ट सभी को पसंद आती है। तो ये रेसिपी के लिए मैंने लिया है मीडियम साइज के आलू, जो मैंने छील करके रख लिए हैं और इसको पानी में डाल दिया है। तो मीडियम आलू मैंने लिए हैं सारे, और इसमें जो डालना है तो मैंने धनिया ले लिया है, सौंफ जीरा एक ही में मिक्स है, सौंफ जीरा एक ही मिक्स है, और मेथी लिया है। और इसमें हम लाल मिर्च डाल लेंगे और साथ में ही सारे चीजों को अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं भून करके हल्का दरदरा पीस के आती हूँ वापस। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे हल्का दरदरा पीस लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी और ये गरम मसाला, थोड़ा आमचूर और नमक। तो अब इन चीज़ों को इसमें हम ऐड कर देंगे, देखिए, और इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आइए अब चलते हैं हम किचन की तरफ, अब वही बातें होंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं किचन की ओर आ गई हूँ। मैं भी रूम में बैठी हुई थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो ये देखिए, इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मुझे हींग की महक अच्छी लगती है, तो इस वजह से हम इसमें हींग डालेंगे। तो मैंने मसाला देखिए इसमें निकाल लिया क्योंकि ज्यादा था मसाला। तो अब इसे हम आलूओं को बीच से कट लगा देंगे। ये देखिए, इसी तरह सारे आलूओं को कट लगाना है। तो मैंने सारे आलूओं को बीच से कट कर लिया है, उसमें निशान लगा दिया है ताकि मेरा मसाला अच्छे से भर सके। तो मसाला को अच्छे से भरने के लिए इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे तेल, ताकि मेरा मसाला आलू के अंदर अच्छे से बंध के भर सके। वैसे डालेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, अच्छे से भर नहीं पाएगा, मसाला इधर उधर भगा भगा फिरेगा। तो ये देखिए, ये मसालों को हम इसमें भर रहे हैं। आपको भी इसी तरह बहुत ही अच्छे से मसाला भर देना है। तो इसी तरह हमें सारे आलूओं को भर देना है। तो देखिए, मैंने सारे आलू को भर लिया है, अब इसको हम तेल में अच्छी तरह से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे आलू जो हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए मैंने इसमें इतना तेल डाला है। मेरे आलू इतने तेल में अच्छी तरह से पक जाएंगे। देखिए, मेरा तेल होने लगा है। तो हम एक एक आलू अच्छी तरह से डालेंगे। अगर बीच से फट जा रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलू है थोड़ा निकली जाता है। अगर आपके बड़े आलू हैं तो आप उनको बीच से हाफ काट सकते हैं। कवर कर देंगे प्लेट से और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, लगभग 5 मिनट। हटा दिया है, अब इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से, देखिए एकदम हल्के हाथों से करना है, ज्यादा तेजी करेंगे ना तो फिर देखिए मेरा आलू का कलर चेंज हो चुका है। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर इसे खुला
पकाएंगे। अब इसे फिर हम कवर कर देंगे, हटा दूंगी। और ये देखिए मेरे आलू लगभग लगभग पक चुके हैं, फिर भी मैं अभी इनको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही खुला रख के पकाऊंगी। अब इसमें हम इसको हम कवर नहीं करेंगे। तो देखिए मेरे भरवा आलू बनके हो गए हैं रेडी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेंड कीजिएगा ये रेसिपी भरवा आलू की। तो अगर आपको भरवा आलू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।